चारण कुल में श्री ईश्वरदास जी नाम के एक महान सिद्ध संत हुए। ईश्वरा सो परमेश्वरा, परमेश्वर के जैसी सामर्थ्य ईश्वरदास जी में थी। राजाओं की यजमानी होती है चारणों की, शौर्य गाथा गाते हैं, युद्ध गाथा गाते हैं, पर आपने मन में विचार किया कि द्वारकाधीश महाराजाधिराज हैं, किसी मनुष्य का क्या गुणगान करना, द्वारकाधीश का ही गुण गाते रहे। और आपने अपनी सारी संपत्ति गौ ब्राह्मण और संतों की सेवा में, भगवत सेवा में खर्च कर दी। कुछ नहीं रह गया ईश्वरदास जी के पास। विरक्त बाबा जी नहीं थे, गृहस्थ थे। एक दिन ऐसी परिस्थिति आई, घर में खाने को कुछ नहीं। एक दिन व्यतीत हुआ, दो दिन व्यतीत हुए, तीन दिन हो गए, घर में चूल्हा ही नहीं चेता, एक अन्न का कण नहीं। और द्वारकाधीश प्रभु नित्य आते ईश्वरदास जी के निकट। अब वो भजन करते होते तो उनकी गोद में बैठ जाते, और भगवान द्वारकाधीश गोद में बैठकर अपना दक्षिण करकमल उनके कपोल पर रखकर कहते, बाबा मैं बहुत राजी हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, कछु ले ले हो, कछु मांग ले हो। आप मुस्कुरा कर कहते, जो चाहिए था वो मिल तो गए, आप गोद में बैठ गए, अब क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। एक दिन ठाकुर जी ने कहा कि तुम मांगने के नाम पर कभी कुछ मांगते क्यों नहीं हो? आज तो हमको आपको हमारी मन की बात रखनी पड़ेगी, आज तो मांगना पड़ेगा। तो ईश्वरदास बोले, आज हम जरूर मांग लेंगे, जिससे फांस कट जाए, द्वारा आप परेशान न करो, आज हम जरूर मांग लेंगे। कहा, मांगो। ईश्वरदास जी बोले, आज के बाद द्वारा मेरे सामने यह मत कहना कि वर मांग लो, बस यही दे दो। कुछ मांग लो यह शब्द द्वारा मत बोलना। क्यों? बोले, बर दे के बहु ठगे सकामी भक्त जाहु फिर। बर देकर कितने सकाम भक्तों को आपने ठग लिया है, मैं आपकी ठगाई में आने वाला नहीं हूं। ठाकुर जी सोचे, कठोर प्रश्न पत्र करना पड़ेगा, तब तो ये मांगेंगे। एक दिन माताजी, तीन दिन बीत गए, घर में कुछ नहीं था। तीसरे दिन बालक रोने लगे भूख के कारण। ईश्वरदास जी के भजन में विक्षेप हुआ, उन्होंने अपनी गृहिणी को कहा, देवी ये बालक क्यों रो रहे हैं? बोले, आप तो परम वैराग्यवान हैं, ज्ञान वैराग्य संपन्न, भक्ति संपन्न हैं, आपका तो देह में भाव नहीं, तो देह धर्म आपको कहाँ से व्याप्त होंगे, आपको भूख प्यास कुछ नहीं है भगवत स्मरण में। लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे, इनको कैसे हम सांत्वना दें, इनको तो धैर्य बंधावें, मैं माँ हूँ, इनको भूखा नहीं देख सकती। बोले, जो होना हो सो हो, मैं ठाकुर जी की भक्ति करता हूँ कुछ प्राप्ति करने के लिए नहीं, मैं कुछ नहीं मांगूंगा, मेरे मन में मांगने की बात ही नहीं है, मैं कुछ नहीं। तो बोले, ये बालकों का क्या करूँ फिर? बोले, इनको थोड़ा बहका दो। कैसे बहकाऊं? बोले, चूल्हा चेता दो, बटलोई चढ़ा दो, उसमें पानी भर दो, और बच्चों को कहो कि तुम सब कीर्तन करो, बन रहा है, जब सिद्ध हो जाएगा, बन जाएगा तो खिला दिया जाएगा, बन नहीं नहीं तो कहाँ खिलाएंगे, थोड़ी देर समाधान तो होगा। गृहिणी ऐसी आज्ञाकारिणी थी, उसने ऐसा ही किया, बटलोई रख दी, चूल्हा चेता दिया, अदन उबलने लग गया, बालकों को लगा कि अब जरूर खिचड़ी बनेगी, भात बनेगा, कुछ न कुछ तो बनेगा। बालक प्रेम से कीर्तन करने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। और साक्षात द्वारकाधीश प्रभु अपने पीतांबर में खिचड़ी का सामान लेकर के आए, और उबलती हुई बटलोई के जल में, अदन में खिचड़ी बनाई, अपने हाथ से खिचड़ी बनाई। अब बनाकर सब आँख मूंद के कीर्तन कर रहे माता जी। ठाकुर जी ने पत्तल परोस के कहा, भले आदमी पा तो ले, अब तुम जीते और हम हारे,
अब तुम्हारे यहाँ किसी वस्तु का अभाव नहीं होगा। साक्षात वैकुंठनाथ द्वारिकाधीश रुक्मणी नाथ लक्ष्मीपति अपने हाथ से रसोई में कुछ बनावे, फिर क्या कमी रह सकती है? ऐसा अद्भुत जीवन। भगवान ने कहा, मांगने के नाम पर तुम इतना घबराते क्यों हो? ये एक बात बताओ, हमारे मन में बड़ी जिज्ञासा है जानने की। ईश्वरदास जी ने कहा कि प्रभु एक बात पूछूं आपसे, बोले जैसी कृपा आप आज करते हैं गोद में आकर चाहे जब बैठ जाते हैं, मैं कुछ आपसे मांग लूंगा फिर वैसी कृपा आपकी रहेगी? भगवान मुस्कुरा गए, बोले फिर तो हमारी छुट्टी हो जाएगी, आप लेकर खुश और हम देकर खुश। बोले यही तो हम नहीं चाहते हैं। उन ईश्वरदास जी ने सदेह वैकुंठ प्राप्त किया, सशरीर वैकुंठ गए। कलिकाल की घटना है, ईश्वरदास जी जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुष थे, वो भगवान के धाम गए। आश्चर्य की बात नहीं है, घोड़े के सहित भगवान के धाम को चले गए। वो भोगयोनि में पड़ा हुआ अश्व घोड़ा, उस घोड़े पर सवार हुए, समुद्र की ओर हांक दिया घोड़ा, और देखते देखते घोड़े के सहित आकाश में ज्योतिर्मय पुंज में विलीन हो गए। मनुष्य को मोक्ष का अधिकार है स्वामी जी, पर एक महान भक्त की कृपा से भोग योनि में पड़े हुए एक पशु को भी वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। तो संपूर्ण भागवत में इस कोटि के, प्रहलाद जी की कोटि के निष्काम भक्त यदि कोई दूसरे हैं तो वे महाराज मुचकुंद हैं। और ये चतुराई उनको पूर्व जन्म से ही प्राप्त है। हाँ, इसमें भी भगवान बहुत प्रलोभन दे रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं मांगा उन्होंने। और जब नरसिंह मेहता के रूप में प्रकट हुए तब 7 दिन तक पड़े रहे भोले बाबा के दरबार में, रोते रहे। पार्वती जी ने कहा कि आप जगत पिता विश्वनाथ हो, अब मैं जगन माता हूँ, आप कैसे जगत पिता हैं? आपको इस बालक को, एक विप्र बालक 7 दिन से बिना खाए पिए रो रहा है, आप इस पर दया नहीं करते? शंकर जी बोले, सब जीव अपने अपने संचित प्रारब्ध क्रियमाण कर्मों को भोगते हैं, देवी कहाँ तक ध्यान दोगी, राम राम करो। कर नहीं, इस पर तो कृपा करनी पड़ेगी। भोले बाबा हंसकर बोले, हम इसी प्रतीक्षा में थे कि तुम कब सिफारिश करो। संकेत समझे कि नहीं समझे? ये भी प्रतीक्षा करते हैं कि कब ये सिफारिश करें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आप जगन माता हो, आपकी दृष्टि पड़ गई तो कृपा तो करनी ही पड़ेगी। भगवान विश्वनाथ का डमरू बज उठा, भगवान भूत भावन विश्वनाथ प्रकट हो गए। बोले वत्स, वर मांगो। बोले हम तो जानते ही नहीं वरदान क्या चीज होती है, कि जो तुम्हारे मन में हो वो मांग लो, वो पूरी हो जाएगी। भगवान शिव ने कहा, नरसिंह जी बोले, हम तो बालक हैं, हमारी बुद्धि तो परिपक्व है नहीं, हमने कोई ऐसी चीज मांग ली जिससे ना हमारा हित हुआ ना किसी दूसरे का हित हुआ, तो आपका देना व्यर्थ हो जाएगा और मेरा मांगना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए आप यदि देना ही चाहते हो तो जो वस्तु आपको प्राणों से भी अधिक प्रिय हो और मेरे लिए तथा संपूर्ण जगत के लिए परम कल्याणकारिणी हो, वह वस्तु मुझे आप कृपा करके प्रदान कर दो। शंकर जी बोले, पार्वती जी से तुम कहती है कि बालक है, ये बालक नहीं है, ये सबका दादा गुरु है, इसने हमारी प्राण प्रिय भक्ति मांग ली, मुझे तो प्राणों से अधिक प्रिय श्री राधा माधव हैं, उनका महारास, उनका नित्य रास ही मेरा प्राण जीवन धन है।